ईद मतलब सलमान। जी हाँ, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ये बात शायद हमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ईद का मौका ऐसा होता है कि सबकी जुबा पर सलमान का नाम आ ही जाता है। आमतौर पर सलमान की एक झलक पाने के लिए भाईजान के फैंस घंटों उनका इंतजार गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर करते हैं, लेकिन जब मौका ईद का होता है तो मानो सलमान के चाहने वालों का हुजूम उनके घर के बाहर उमड़ जाता है। ईद पर सल्लू मियां का अपनी बालकनी पर झांक लेना ही फैंस के लिए बहुत होता है, लेकिन फैंस की ये दीवानगी भाईजान के लिए यूं ही नहीं है। भाईजान भी अपने फैंस का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं और ईद के मौके पर फैंस को अपनी फिल्म के जरिए ईदी दे जाते हैं। और इस बार ईद के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म ट्यूबलाइट सलमान की 8वीं फिल्म है। ईद पर रिलीज सलमान खान की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका होती है और ये सिलसिला साल 2009 से शुरू हो गया था। साल 2009 में आई फिल्म वांटेड सलमान की पहली ईद धमाका फिल्म है, जिसके बाद साल 2010 में सलमान ने दबंग और 2011 में बॉडीगार्ड रिलीज की थी। इतना ही नहीं बल्कि इस ट्रेंड को जारी रखते हुए उन्होंने 2012 में फिल्म एक था टाइगर रिलीज की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाका कर दिया। साल 2014 में किक, 2015 में बजरंगी भाईजान और 2016 में सुल्तान इस बात को साफ कर गया कि ईद पर सिर्फ और सिर्फ सलमान। अब भाई जब सलमान अपने फैंस का इतना ख्याल रखते हैं तो फैंस पर ये दीवानगी तो लाजमी है, और यही वजह भी है कि हर ईद पर दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ सलमान की फिल्म का ही इंतजार होता है।